शुभम भवतु स्टूडेंट। आपका संस्कृत टीचर मैं अंतर्यामी मालाकार आज आपको 10वीं क्लास के सुभाषितानी श्लोक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैंने पहले वीडियो में 5 श्लोक पढ़ाए थे, अब ये पार्ट 2 है, इसमें 5 श्लोक पढ़ाऊंगा। तो 5 से ये 6 श्लोक है संस्कृत का, सुनिएगा। अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुः बहवश्च विघ्नाः सारान्ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जीवन में सब चीज़ को ग्रहण नहीं किया जा सकता, सभी अच्छी आदतों अच्छी व्यवहारों को ही ग्रहण किया जा सकता है, सार वस्तुओं को ही ग्रहण किया जा सकता है, और जो हमारे जीवन में अनुपयोगी हैं उनको त्याग देना चाहिए। तो इसका अर्थ प्रस्तुत है, सुनिएगा। शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है, इसीलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। चलिए अब 7वां श्लोक सुनिएगा। 7वां श्लोक में क्या बताया गया है, तो शस्त्र हता नाही हता रिपोह रिपोह भवंती प्रज्ञा हतास्तु रिपवः सुहता भवंती। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशस्य हन्ति। इस श्लोक में शस्त्र और बुद्धि की महत्ता के बारे में बताया गया है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में इस श्लोक में पद्यांश में बताया है। तो चलो अर्थ इसका प्रस्तुत है, सुनिएगा। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मर जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश कुल वैभव और यश आदि सभी कुछ नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है, ना कि शस्त्र। आई होप आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलो 8वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है, सुनिएगा। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजान्ते पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। इस श्लोक में ये बताया गया है कि इसमें किस समय किस वस्तु का उपयोग या उपभोग करना चाहिए इसके बारे में बताया है। तो सुनिएगा, इसका अर्थ प्रस्तुत है। दिवस के अंत में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसे करने से वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस समय कौन सी वस्तु का उपभोग करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलो अब अगला श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 9वां श्लोक है, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम अदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत है, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन का विद्यार्थी अपने जीवन का किस भाग पे क्या सीखता है और कितना सीखता है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए आपका 10वां श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। इस श्लोक का अर्थ है,
विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ का त्याग करने से हमें सुख मिलती है, क्या करने से हमें तप मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये तो रहा आप लोगों का 10वां श्लोक। आई होप आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इन पहले पार्ट में मैंने होमवर्क दिया था आपको, 5 श्लोक का अनुवाद लिखना है और उसके अनुवाद को याद करना है तथा श्लोक को भी याद करना है। तो इसमें भी वही है होमवर्क है, 5 श्लोक और पढ़ाया हूँ उसमें से 5 श्लोक को लिखना है, उसका अनुवाद लिखना है और उसको लर्न करना है, याद करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी आशा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे।